आगे बढ़ेंगे। अगली खबर है पिपरिया से, जहां समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी में बड़ा घोटाला उजागर हुआ है। रामपुर सोसाइटी प्रबंधक समेत दो लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। मंगलवारा थाने में मामला दर्ज हुआ है, जहां किसानों से खरीदे गेहूं और वेयरहाउस में जमा कराए गए गेहूं में अंतर मिला है। सहकारी निरीक्षक शिव शंकर पगारे ने एफआईआर दर्ज कर ली है। तो कई किसानों को अभी तक गेहूं खरीदी का भुगतान भी नहीं हुआ। बारिश के पानी में सैकड़ों क्विंटल गेहूं पानी में भीगा था। समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी में बड़ा घोटाला उजागर हुआ है। सोसाइटी प्रबंधक समेत दो लोगों पर मामला दर्ज हुआ है। चलिए खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता आलोक जुड़ चुके हैं। आलोक, समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी में बड़ा घोटाला पिपरिया से उजागर हुआ है। रामपुर सोसाइटी का ये मामला है, कौन कौन इस पूरे मामले में संलिप्त है? देखिए ऋतु, सबसे बड़ी बात ये है कि गेहूं खरीदी है उपज जो है सरकार सहकारी समितियों के माध्यम से, लेकिन करीब 90 किसान ऐसे जिनका भुगतान लंबे थे। इसलिए गेहूं धीमे पहले बारिश में भीग गया, समय पर वेयर हाउस में जमा नहीं हुआ, जिस चलते गेहूं बारिश के चलते खराब हो गया। वो गेहूं अब वेयर हाउस में जमा नहीं हो पा रहा है। तौर पर समिति प्रबंधक और जो उनके सहायक देखी जा रही, वही जो गेहूं सरकार को जमा कराया गया था उस गेहूं में भी खरीदी और जमा में अंतर पाया गया है। जी बिल्कुल, तो समिति ठीक है। आलोक, बारिश के पानी में सैकड़ों क्विंटल गेहूं भीगा हुआ पाया गया है, कब से ये गेहूं वहां पर था, कब से वहां पर स्टोर करके रखा गया था? जब ये गेहूं खरीदी चल रही थी ऋतु, तब उसी दौरान जब मानसून ने जल्दी दे रही थी उसकी तरफ ये भीगा था, लेकिन इनकी लापरवाही समिति प्रबंधक की और इनके सहायकों की ये रही कि इन्होंने समय रहते हुए उस गेहूं को नहीं सुखाया, और अगर वो सुखा लेते तो गेहूं सड़ने से बच जाता। और जब इन्होंने इसकी शुद्ध ली तब तक बहुत देर हो चुकी थी, और फिर औने पौने दामों में इनको खुली मंडी में व्यापारियों को बेचना पड़ा जिसका सही मूल्य नहीं मिल पाया, तो वो भी एक कहीं ना कहीं एक कारण है। और अब पूरा मामला पुलिस ने दर्ज कर लिया, पुलिस अब बारीकी से इस मामले की जांच करेगी। लेकिन अन्नदाता की जहां तक बात होती है तो अन्नदाता आज भी इसको लेकर परेशान है। अन्नदाता तो सरकार को बेच पा, लेकिन उनके खाते में पैसा नहीं आया, कहीं ना कहीं आज भी किसान परेशान है। ठीक है आलोक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी का ये बड़ा घोटाला उजागर हुआ है। रामपुर सोसाइटी का ये मामला है, वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। प्रबंधक समेत दो लोगों पर मामला दर्ज कर एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।